हेलो फ्रेंड्स, गर्मियां शुरू हो गई है और इसीलिए मैं आज आपके लिए सौंफ का शरबत की रेसिपी लेके आई हूं, जो आपको गर्मियों में बहुत ही सूदिंग लगेगा और पीने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाइए मेरे साथ सौंफ का शरबत। यहां पर मैंने गैस पे, देखिए ये पैन सिर्फ गर्म करने रखा है। ये गर्म हो जाएगा तो हम इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, मैं यहाँ पर इसको बंद कर रही हूँ। और ये गर्म है तो हम इसी वक्त एक बाउल, मैंने वरियाली ली है जिसको सौंफ बोलते हैं, इसको हम थोड़ा इस तरह से टॉस करेंगे। हमें इसको भूनना नहीं है, हमें इसमें इसको मॉइस्चर जो होगा वो हम निकालेंगे। वैसे ही मैंने 20 से 25 ये पॉड्स, जो इलायची, हरी इलायची है वो लिए है। यहाँ से मैंने एक चम्मच ब्लैक पेपर के पॉड्स लिए है, मरी भी बोलते हैं इसको। ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी है। आपको पता है सौंफ तो ऐसे भी हमारे एसिडिटी वगैरह कम करती है। और ये ब्लैक पेपर है ना, ऐसे स्पाइसी होते हैं बट वो तासीर में ठंडे होते हैं। इलायची जो है बहुत ही हमारे पेट के लिए अच्छी है। और यहाँ पर मैंने पेपी सीड्स लिए हैं जिसको खसखस बोलते हैं, ये 1.5 स्पून मैंने लिया है और ये भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये सबको हम इस तरह से गर्म पैन में इस तरह से हिलाएंगे। देखिए आप, मैंने गैस पे नहीं रखा है और मैं इस तरह से इसको हिला रही हूँ ताकि इसका मॉइस्चर जो है निकल जाए। हमें इसको रोस्ट नहीं करना है, वरना ये जो सौंफ है इसकी जो स्मेल है, अरोमा है, ये सारा चला जाएगा। हल्के हाथ से इसको इस तरह से सिर्फ उसका मॉइस्चर निकालने के लिए गर्म पैन में ये कर रहे हैं। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा करने रखेंगे। देखिए ये हमारा सौंफ का जो मिश्रण है ये ठंडा हो गया है। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी क्वालिटी की सौंफ ली है क्योंकि हमें इसमें अच्छा सा पाउडर चाहिए। अगर आप वो मोटी वाली सौंफ लेंगे तो पाउडर नहीं मिलेगा और उसमें डंठल्स वगैरह ज्यादा होंगे। तो हमें ये सौंफ का, ये जो प्रीमिक्स हम बना रहे हैं सौंफ के शरबत का, तो उसके लिए हमें एक अच्छा सा सौंफ भी चाहिए अच्छी क्वालिटी की। और अब ये सौंफ को इसमें हम ग्राइंड करेंगे, ये सारा हम साथ में ही करेंगे ग्राइंड। ये देखिए, अब ये सौंफ ऐसे ही हम ग्राइंड करेंगे ना तो ये प्रॉपर वे पाउडर नहीं होगा, तो हम इसमें चीनी मिलाएंगे। यहाँ पर चीनी मैंने एक बाउल जो सौंफ ली थी तो हम 3 बाउल मैंने चीनी ली है यहाँ पर शक्कर। आप इसमें मिश्री भी ले सकते हैं, मिश्री तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, पर मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ये एक बाउल जो चीनी है इसमें मैं मिलाकर इसमें अभी मैं इसको ग्राइंड कर दूंगी। देखिए यहाँ पर ये पाउडर जो है इस तरह से एकदम महीन हमको पीसना है। तो ये चीनी की वजह से एकदम अच्छे से फाइन पाउडर हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह से इसमें छान लूंगी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर ये छान लिया, यहाँ पर नीचे फाइन पाउडर मिला है और ये थोड़े से जो रह गए हैं इसमें भी सौंफ और वो इलायची का जो है वो हम इसको वापस इसमें डाल देंगे। और हम ये जो हमारा दूसरा ये जो है ये सौंफ का, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे और साथ में ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, ये सारा मैंने ले लिया है और ये जो हमने 3 बाउल लिए हैं शक्कर के, चीनी के, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हमने एक बाउल डाल दिया था, अब इसमें दूसरा डाल दिया है और इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए हमारा ये वापस हमारा मिक्सर रेडी है, इसको हमें छानना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसको छान लूंगी। ये देखिए, ये छान के मुझे वापस ये मिला है तो हम इसको वापस ये इसके साथ इसमें मिक्स कर देंगे। हमारा ये 3rd बाउल जो है शुगर पड़ा है चीनी का, इसको भी हम इसके साथ पीस लेंगे और अब जो भी हमें मिलेगा ये इसको हम छान के रेडी कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा सौंफ का जो पाउडर है चीनी के साथ ये छान के रेडी है। ये प्रीमिक्स बन गया है हमारा सौंफ के शरबत का। तो इसको आप कांच की बरनी में या कोई जार में जिसमें फिट ढक्कन हो, आप इसको उसमें भर के 12 मंथ्स तक
इसको रख सकते हैं, पर आपको चींटी से इसको बचाना होगा और अच्छी तरह से उसको सेफ प्लेस पे रखना होगा। यहाँ पर ये हमारा प्रीमिक्स रेडी है। हम इसको दो तरह से बनाएंगे। हम पहले इसको पानी में बनाएंगे, इस तरह से हम तीन से चार ये जो आइस क्यूब्स है वो डालेंगे, और मैं यहाँ पर ये जो हमारा प्रीमिक्स रेडी है इसके में हम 2 स्पून इसमें हम ऐड करेंगे। इसको बहुत अच्छे से हमें नीचे तक डालना है, और फिर हम इसमें ठंडा पानी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए कितना अच्छा, इसकी अरोमा भी इतनी प्यारी है, और देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर हमें मिला है ना। इसको हम इस तरह से अब थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि हमारा जो ये मिक्स है ये एकदम से अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर मिला है ना, तुरंत ही घुल जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा स्मेल भी है। ये हमारा सौंफ का जो शरबत है पानी में रेडी है। अब हम दूध में शरबत बनाएंगे। ये देखिए ये हम इस तरह से आइस ले लेंगे, 3 से 4 आइस क्यूब हम डालेंगे। आपको जितना ठंडा पसंद है आप ले सकते हैं। इसमें भी हम 2 चम्मच इस तरह से हमारा प्रीमिक्स है वो ऐड कर देंगे, और ठंडा दूध इसमें हम ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छे से स्टेयर कर लेंगे। ये देखिए दूध में हमें प्यारा सा ग्रीन कलर नहीं मिला है, क्योंकि हमने नेचुरल रखा है, कोई प्रिजर्वेटिव या कोई कलर नहीं डाला है। इसीलिए अदरवाइज बाहर जो शरबत मिलते हैं उसमें ग्रीन कलर डालते हैं, इसीलिए आपको ग्रीन दूध मिलता है। देखिए पर ये टेस्ट में तो बढ़िया ही है। ये देखिए हमारा जो मिल्क सौंफ का शरबत है वो भी रेडी है। तो गर्मियों में आप ये ठंडे ठंडे शरबत की मजा जरूर लेना। फ्रेंड्स, हमारे सौंफ का शरबत दोनों तरीके से रेडी है, पानी में और दूध में। आप गर्मियों में ठंडा ठंडा शरबत का मजा जरूर लीजिएगा, और मेरी रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।